सादा आपका न्यूज स्वागत मध्य है। प्रदेश में आप सभी मध्य का प्रदेश स्वागत है। में मध्य विधानसभा प्रदेश में चुनाव विधानसभा के हालांकि 19 महीने अभी बाकी हैं, लेकिन चुनाव आम लोगों तक बाद में पहुंचता है। वीडियो इस वक्त सामने आ रहा है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यदि हम इस तरह से अलग अलग रहेंगे, इस ढंग से हमारे बीच में विवाद रहेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे, तो ये चुनाव अंतिम चुनाव हो जाएगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। तो ये भी कह रहे हैं कि हमें कार्यकर्ता भी ढूंढने से नहीं मिले। ये बात जो है, जो निराशा है, ये बता रही है कि कितना तनाव में कांग्रेस पार्टी अपने आप को महसूस कर रही है। क्या भाजपा में भी इस तरह की कोई कवायद चल रही है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता, हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी, और हमारे साथ में मौजूद हैं आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर पीयूष जोशी जी। आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत में करना चाहूंगा नीलाभ जी आप ही से। जी दिग्विजय सिंह का ये वीडियो आपने भी देखा होगा जो लगातार वायरल हो रहा है, और इस पर पलटवार भी किया है नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने कहा है कि ये सच है कि अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए अंतिम चुनाव ही है, क्योंकि इसके बाद में 80 के हो जाएंगे, वो तो चुनाव में पार्टिसिपेट तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन क्या ये वीडियो आपको लगता है कि दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा परेशानी में कांग्रेस अपने आप को फील कर रही है मध्य प्रदेश में, कितना ज्यादा उनको तनाव है इस है इस बात को लेकर कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस बिखराव की देखिए तरफ जा शुभ रही है। संकेत है। समय समय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं संदेश देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। जिस तरह छात्रों को कहा जाता है कि पढ़ाई करो, ज्यादा घूमो फिरो मत, जल्दी जागो, सिंसियर रहो, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे, जो उनका मनोबल गिराने के लिए नहीं कहा जाता, उनमें चेतना जगाने के लिए, उनमें अवेयरनेस जगाने के लिए किया जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ताओं के बीच वरिष्ठ नेता साथ में काम कर रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, समय समय पर उनको डांट भी लगा रहे हैं। तो जरूरी है, ये शुभ संकेत है हमारे लिए। कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र तो बहुत खुला है, यहाँ पर तानाशाही हिटलरशाही नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात खुलकर कहने का स्वतंत्रता है। हमारे वरिष्ठ नेतागण मैदान में कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कहीं गलती हो तो डांट रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हमारे लिए खुशी की बात है कि वरिष्ठ नेता का गण लगातार कार्यकर्ताओं पर निगाह बना हुए है, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इतना इतना ज्यादा, लेकिन ये बात कहना कि मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस का अंतिम चुनाव हो जाएगा, आपको लगता है कहीं कोई तनाव जैसी बात तो महसूस हो रही है? छात्रों को समझाया जाता है कि पास अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, अगली क्लास में नहीं पहुंच पाओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, अच्छी सर्विस नहीं मिल पाएगी, तो ये एक तरह की सलाह दी जा रही कांग्रेस कार्यकर्ता। अच्छी, जी आप जो कह रहे हैं ये आपकी जी आपकी दृष्टि है, आपकी दृष्टि है, और आप ये आपकी दृष्टि है, आपकी दृष्टि है, और आप इस दृष्टि से कई बार ये होता है कि बात चली, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जो जो देख रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं, वो हमारा अपने होता है, हमारा अपना एक होता है, हमारी अपनी मजबूरिया भी होती है। इस वक्त भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गुप्ता मौजूद हैं। मैडम ये बताइए दिव्या जी की आप इस वक्तव्य को, इस वीडियो को किस दृष्टि से देखती हैं? अंकित जी, नीलाभ जी को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, आप अगर इस बात से सुकून पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सुकून में रहें। लेकिन दो चीजें कहना चाहूंगी पंकज जी, यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, मंझे हुए नेता हैं, और जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और जो वो दिखाई देता है वो होता नहीं। तो बहुत ही एक अलग, जैसे मैं शतरंज में ऊंट जो चाल चलता है, ढाई चाल, वो कहीं भी चाल चल देता है लेकिन निशाना उससे कुछ और होता है, ये वो वाली चालें हैं। उनका निशाना कार्यकर्ताओं को नहीं है, उनका वो रिकॉर्डिंग करवाना इस बात का द्योतक है, संकेत है कि कमलनाथ जी को बता दे और ऊपर जाके ये बताए कि साहब देखो, आपके नेतृत्व, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इस अध्यक्ष को हटाना जरूरी है, इसके नेतृत्व में अगला चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग इस बात को बता रही है कि वो जब ये जाएंगे दिल्ली तो इस बात के लिए वो पूरा का पूरा पुरजोर बोलेंगे। देखिए, मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में जाके ये भी बोला कि बेचारे कमलनाथ जी क्या कर लेंगे, तो वो जो बेचारा वर्ड उन्होंने यूज करा है और जो कार्यकर्ताओं को कहना चाह रहे हैं, देखिए एक बात तय है
कि गुटबाजी का कोई प्रणेता हो कांग्रेस में, गुटबाजी का कोई अगर मास्टरमाइंड हो अगर कांग्रेस में, तो वो दिग्विजय सिंह जी है। उस गुटबाजी को लेकर उन्होंने जो ये सब बातें कही हैं, ये बातें, ये इन बिटवीन द लाइंस जिसको हम बोलते हैं रीड इन बिटवीन द लाइंस, ये वो है कि कार्यकर्ता को समझाए समझाए छोटी मोटी बातें, वो तो सब ये बहुत बार कर चुके। बैठक कहीं होती है भोपाल में, वो कहीं और चले जाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जाके अपनी रिकॉर्डिंग बना के वायरल करते हैं। तो ये ही इज अ मास्टरमाइंड टू बी इन द न्यूज, उनको हमेशा न्यूज में कैसे रहना है ये उनको आता है, ये बहुत बड़ी कला है, तो ये उनको आता है। पर वो जो इंगेज करना चाह रहे हैं, जो उसका निशाना करना चाह रहे हैं, सर वो कार्यकर्ता नहीं है, वो माननीय कमलनाथ जी है। और वो दिल्ली तक जानी है बात ये कह के कि कमलनाथ जी से संभल नहीं रहा है, अगर इनसे चुनाव ऐसे ही रहा तो हम हार जाएंगे, ये उनका इशारा। निलाब जी, निलाब जी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जो खिंचातानी है वो तो जाहिर है। क्या आपको लगता है कि ये जो इस वक्त दिव्या जी कह रही हैं, इसमें कहीं गहराई तो है? हम कितनी भी बात को छिपाने की कोशिश करें, देखिए शुतुरमुर्ग की तरह, शुतुरमुर्ग जो होता है वो गर्दन छिपाने की बात करता है, कहीं आपको लगता तो नहीं कि कार्यकर्ता कांग्रेस के इस बात से अनजान हैं या अनजान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका खामियाजा चुका चुनाव भुगतना पड़ता है? गलत बात है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, इन सब की मेहनत, इन सब वरिष्ठ नेताओं की मेहनत से ही हमारी 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। आज भी सब मिलजुल के काम करे, सब कहने की बातें अफवाह है इस तरह की। मैं तो कहता हूँ भाजपा अपना घर दे, गुट तो भाजपा में, कई नेताओं की नजर मुख्यमंत्री कुर्सी पर है, सब जगह सिर्फ टवल चल रही है। उमावती ने कहा है कि मैं सरकार मैं बनाती हूँ, चलाता कोई और है, इसी वजह से उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए शराबबंदी की थोती घोषणा कर दी थी। अब समझ में आ रहा है कि उमावती का दर्द क्या था, उनको शराबबंदी सरोकार नहीं था, उनका दर्द था कि मुझसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली गई, तो सरकार मैंने बनाई और मुझे मुख्यमंत्री ने बनाया, वो दर्द उनका आजकल में छलका, मैंने कल गली पड़ा उनका। तो दिन क्या आपसे गुटता ना, आपसे खींचता ना, आपसे गुट कांग्रेस में ये बात नहीं है, तो ये अपना घर देखें उसके बाद बात करें। चलिए, डॉक्टर पीयूष जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न तो भाजपा से न कांग्रेस से, जो कि आप पार्टी से तटस्थ हैं इस वक्त, तो कोई मुझे लगता है चुनाव में पार्टिसिपेट तो भाजपा आपका करेगी, लेकिन किसी तरह कोई कंपटीशन की बात उनके लिए नहीं है। पीयूष जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टि से देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं, मैं प्रदेश प्रवक्ता नहीं हूं, मैं इंदौर का जिलाध्यक्ष हूं, तो मैं जो भी बोलता हूं आप पार्टी का मत जरूर हो सकता है, आप पार्टी के कार्यकर्ता का मत हो सकता है, पर आधिकारिक मत नहीं होगा। सबसे पहली बात तो निलाब जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि इज ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। और दूसरा, भाजपा के प्रवक्ता से हम लोग एग्री करें ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, पर यहाँ पे थोड़ा एग्रीमेंट बनता है। जैसा इनका कहना है, मैं भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और ये जो उनका इंडिकेशन है ये सेंटर के लिए इंडिकेशन है। मैं इसमें एक कदम और आगे जाकर ये बात जोड़ना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जनमत का अपमान किया, जनमत का अपमान इसलिए करवाया क्योंकि इनकी सरकार प्रदेश की जनता ने बनाकर दी, पर प्रदेश की जनता ने जब ये सरकार बनाकर दी, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप बिल्कुल बोलेंगे पर मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें, मुझे मेरा प्रश्न रखने का अधिकार। जी जी, तो मेरा कहना है कि जो अपनी आंतरिक गुटबाजी के चलने के लिए, अपने दोनों सुपुत्रों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रदेश की सरकार तक जाने दी, अब कोई क्या गारंटी है कि कल को यदि कांग्रेस आलाकमान इनकी नहीं सुनता तो कोई कांग्रेस डी या कांग्रेस के का निर्माण नहीं हो जाएगा इस प्रदेश के अंदर। देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे दुखद जो बात है, अब इस डिबेट को थोड़ा सा हम एजेंडा थोड़ा सा इसका व्यापक करते हैं, सबसे दुख की बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र जो कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन रूपित किया गया था, उसको एक चुनावी और सत्ता की राजनीति में परिवर्तित कर दिया गया है दोनों मुख्य धारा के दलों द्वारा, दोनों भारत की सबसे बड़ी पार्टियों द्वारा। आम आदमी की जो मेन मुद्दे हैं उससे हट चुके हैं, सिर्फ चुनाव जीतना और सत्ता में येन केन प्रकारण बना रहना सिर्फ यही राजनीति है। मुझे बहुत खुशी होती है यदि दिग्विजय सिंह की बात करते व्यापम घोटाले की, भाई 2018 से 19 तक उन्होंने उस घोटाले के ऊपर क्यों काम नहीं किया, डंपर घोटाला जिसके लिए इन्होंने गली गली हल्ला मचाया था उसके ऊपर क्यों काम नहीं किया, पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन जो उसके लिए ये लागू करने की बातें थी जो प्रॉमिस की गई थी घोषणा पत्र में, वो एक साल तक उसके ऊपर क्यों सोए रहे। देखिए, जनता के मुद्दे बहुत अलग हैं, दिग्विजय सिंह जी क्या बोल रहे हैं, कमलनाथ जी क्या बोल रहे हैं, या शिवराज सिंह जी उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, या नरोत्तम मिश्रा जी उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जनता अब इन सब चीजों से ऊब चुकी है। जनता चाहती है बिजली, पानी, रोजगार, उसके लिए सारी जो समस्याएं हैं मूलभूत शिक्षा और चिकित्सा, ये सारी चीजें जनता के मुद्दे हैं। और भारतीय लोकतंत्र को सत्ता की राजनीति और चुनावों की राजनीति जो बना दिया गया है वो बहुत बहुत दुखद है। और रही बात दिग्विजय सिंह जी की,
तो क्या बोलते हैं उसका सिर्फ मीडिया के लिए बाइट बनता है, नेशनल न्यूज बनती है, कांग्रेस आला कमान और राज्य के नेतृत्व के लिए संदेश होता है पर जनता के लिए कोई काम का नहीं होता। जी जी दिव्या जी, जो पीयूष जी बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने सहमति जाहिर की है, ऐसा होता नहीं है उमन की कोई राजनीतिक पार्टी किसी पार्टी से इत्तेफाक रखे, लेकिन पीयूष जी जो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और आपके साथ खड़े हुए दिखाई दे, लेकिन बातों बातों में उन्होंने एक और बात कही है कि जनता जो है वो रोजगार चाहती है, वो विकास चाहती है, वो उन्नति चाहती है, वो समानता चाहती है, लेकिन कहीं भाजपा पर इस ढंग से उनका एक आरोप भी है और एक वार भी है कि ये सब भाजपा की सरकार में हो नहीं पा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम किसी एक मुद्दे पर आपने मेरे साथ खड़ा होना स्वीकार करा, लेकिन आपके दो तीन आपने जो वार करे मैं उससे पलटवार करना चाहूंगी। एक तो आपने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकारें ये इन प्रक्रिया जो भी करती हैं वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए करती है, तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी होते हुए आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी कि आपके जो नेता हैं, जो नेतागण हैं, जो शीर्ष नेता हैं, क्या वो जो फ्रीबीज बांटने में लगे हुए हैं, क्या वो ऐसा नहीं लगता आपको कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं? आपने देखा होगा अभी चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब में तो उन्होंने अति कर दी, तो वो जो सारी फ्रीबीज बांट के आप जो सत्ता में रहने के काबिज होने के या सत्ता को हासिल करने के लिए सारे जो आपकी जो योजनाएं फैल रही हैं वो योजनाएं नहीं है, तो क्या वो सत्ता के लिए नहीं है? क्या सत्ता लोलुपता नहीं है ये? क्या ये सत्ता के लिए करा हुआ सारा का सारा पराक्रम नहीं है ये? तो थोड़ा सा सोचिए उस बात को लेकर। जी दिव्या जी की शायद आवाज आपको आवाज आ रही है जी। तो सत्ता को केंद्रित करने के अलावा अगर जनता के लिए काम न करा होता सर तो उपचुनाव हो, इतने उपचुनाव हो गए, इस समय भी भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता है, मुख्यमंत्री जी की स्वीकार्यता है, उस सारी की सारी योजनाओं की स्वीकार्यता है, तभी ये संभव हो सकता है कि आप चुनाव दर चुनाव दर चुनाव आप जीत हासिल करते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपकी सारी की सारी स्वीकार्यता जनता पर निर्भर करती है, यदि जनता आपको स्वीकार नहीं करती तो तुरंत हट जाएंगे। तो इस बात को लेकर मुझे लगता है कि हमें चर्चा हट जानी चाहिए। चर्चा इस बात की थी कि दिग्विजय सिंह की क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लेकिन एक बात तय है दैट ही इज क्वाइट मीडिया हंगरी, और अगर मीडिया हंगरी है, मीडिया में बने रहना चाहते हैं, तो वो इस तरह के प्रकरण करते रहते हैं ताकि मीडिया हम इस तरह के लोग जो हमको किसी और विषय पर चर्चा करनी चाहिए, हम अपना सारा का सारा समय दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा इस बात को लेकर डिबेट कर रहे हैं। जी दिव्या जी आप जी दिव्या जी आप जो कह रही हैं, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जो अंतर्द्वंद कांग्रेस में दिखता है, जो अंतर्द्वंद जो आपने आपकी बात कही अंतर्द्वंद आप में भी दिखता है, लेकिन एक अंतर्द्वंद भाजपा में भी दिखाई दे रहा है। वहाँ भारती जो है लगातार शराबबंदी की बात करती रही है और दो दिन पहले जो उन्होंने कहा है कि सरकार बनाता कोई चलाता कोई और है, आपको लगता है भाजपा में भी कहीं अंतर्द्वंद तो है? भारती जी अब एक सीनियर जैसे कहना चाहिए एक सीनियर नेता है और बहुत सारे उनके आग्रह दुराग्रह बहुत चीजें हैं जिनको लेके वो यहाँ तक पहुंची है, उनके पर्सनल व्यूज होंगे बट शी इज वेरी वर्बल ऑल्सो, मतलब वो बहुत जल्दी जैसे कहना चाहिए पब्लिक फोरम पे वो बातें अपने दिल की बातें रख देती हैं, जो यदा कदा कभी समय असमय उनको ही मुसीबत में डालता है। मेरा सिर्फ ये कहना है पार्टी जो है वो पार्टी एक बहुत बड़ी विशाल भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी विशाल पार्टी है और पार्टी अपने अपने डेकोरम और अपने अपने कार्यक्रम के साथ चल रही है, और इस समय उमा भारती को मैं सादर नमन करते हुए कहना चाहूंगी कि व्हाट इज पास्ट, अब हमको क्या करना है उस बारे में, पास्ट से आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, पास्ट इसलिए होता है कि आप उससे सीखें और आगे जाएं, तो जो हो चुका उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, तो उसके बारे में हमको चिंता ही करनी चाहिए और हमको सिर्फ आगे अग्रसर होना है क्योंकि 2023 2023 के लिए हम सब अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमको, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो परमानेंटली अपने काम अपने पार्टी में, प्रशासन नहीं कह रही, पार्टी अपने काम और में लगातार सतत प्रयास करती रहती है, सतत लगी रहती है और काम पे लगी रहती है और जनता के बीच में जाके खड़ी रहती है, ये हमारी खासियत है। जी अच्छी बात कही कह रही हैं आप और आप बतौर प्रवक्ता समझाइश भी दे रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। निलाब जी जो अंतर द्वंद जो खींचतान जो अंतर विरोध
कांग्रेस में है वो भाजपा में भी है बहरहाल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को इसका नुकसान ज्यादा होने वाला है 2023 के चुनाव में। दिव्या जी आपको बहुत बधाई देना चाहिए कि जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, हमारे कार्यकर्ता संजय दी, आपने उमा भारती को भी मेरे सामने समझाइश दे दी कि उन्हें पुरानी बातें भूल जाना चाहिए, बहुत ज्यादा बोलती है वो, अच्छी बात है। यही तो दिग्विजय सिंह जी ने किया, यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको, आपने समझाइश दी ना इसी मंच के माध्यम से कि उन्हें पुरानी बातें भूल जाना चाहिए, जो हो गया हो गया, हमें 2023 का चुनाव लड़ना है। नीलाब जी दिव्या जी जो है समझाई देने की हिम्मत कर रही है, क्या आप हिम्मत कर पाएंगे दिग्विजय सिंह को या कमलनाथ जी को समझाई देने की? पार्टी के लोग समझाते हैं उसमें बुराई क्या है। अब मैं हमारे आपके मित्र की बात करना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? प्रवचन देने तो आए नहीं है, कोई धार्मिक काम करने नहीं आए, आप भी सत्ता के लिए आए। मैं दिव्या जी की बात से सहमत हूँ, काहे को चीजें फ्री बांट रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं ना। जवाब दे ही दिया जाए, मैं बहुत बात मेरी बात पूरी हो गई। आप जी जी बोलिए, आप यहाँ कीर्तन करने आए क्या? मैं दिव्या की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, दूसरी पार्टियों पे उंगली उठाने के पहले अपने अपने गिरेबान में जाइए, प्रसाद की तरफ लोगों के को फ्री चीजें बांट रहे हैं, सिर्फ अपना सत्ता पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए 100% लोगों को निःशुल्क किया जा रहा है। आपने दूसरी बार कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हमने जनमत का अपमान किया, जनाधार का अपमान किया, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जनाधार का अपमान, जनमत का अपमान भाजपा ने किया है, कांग्रेस तो चुन कर आई थी उसे गिराया भारतीय जनता पार्टी ने, जनता के मत का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस की सरकार गिराई जिसको जनता ने। पीयूष समय चुकी कम है, पीयूष सुन लेते हैं, पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कीर्तन करने के लिए आए फ्री दे रहे हैं, 2,00,000 करोड़ का डिफॉल्ट है बिग कॉर्पोरेट्स का, 23,000 करोड़ के एबीजी शिपयार्ड वाले लेके और पैसा लेके भाग जाते हैं, और जनता को यदि थोड़ी सी सहूलियत जो कि एक जनहितैषी सरकार की मूल अवधारणा है संविधान में वो यदि दे दी जाए तो आपको लगता है कि वो फ्री दिया गया है? सबसे पहली बात वो फ्री नहीं है, वो प्रीपेड है सर, जनता उसके लिए टैक्स दे चुकी है, और यदि सरकार मुनाफे में चल रही है पूरे दिल्ली प्रदेश की तो उसके लिए फिर किसी को कोई ऑडिटिंग और इवन ऑडिटर्स में सीएजी ने सबने प्रूव किया है कि 86% करप्शन कम हो गया है, 70 करोड़ का विमान पड़े पड़े साल भर के अंदर यहाँ पे कंडम करके नया विमान नहीं खरीदा जाता है अरविंद केजरीवाल द्वारा, यदि वो चीजें हैं वो अपनी महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा करवा के देते हैं यदि 70 करोड़ की जगह, तो आपको क्या समस्या है? आम आदमी को कुछ भी दे दिया जाए तो इनकी पेट में दुखने लग जाता है, और इनके कॉर्पोरेट 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का चले जाते हैं, 8 लाख करोड़ का एनपीएस, 8 लाख करोड़ का माफ कर दिया गया, मध्य प्रदेश का फुल बजट है 2 लाख करोड़, और मजाक मना रखा है, जनता को यदि कुछ मिलता है तो इन लोगों को फ्री में लगता है और लगता है हम कीर्तन करने आ रहे हैं, सब प्रीपेड है, जनता पेट्रोल भराती है तो टैक्स देती है, जनता साबुन खरीदती है तो टैक्स देती है, अगरबत्ती खरीदती है तो टैक्स देती है, जनता चिप्स का पैकेट खरीदती है तो टैक्स देती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जरा जाके आप देखिए पढ़िए कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भारतीय सरकार का कितना होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो मिले हैं और उसके थ्रू यदि आप जनता को यदि थोड़ा सा फ्री में इलाज दे देते हैं, यदि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधाएं दे देते हैं तो आप लोगों को भी इस चीज से कष्ट होता है, और आप ये कहते हैं कि सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की नहीं हम जनता की राजनीति कर रहे हैं महोदय, ये चीज आप ध्यान रखिए, और जो भी सत्ता की राजनीति कर रहा है जनता की राजनीति यदि नहीं कर रहा है तो इस सरकार से बाहर जाने वाला है। न्याय योजना क्या थी जो लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी लेके आए थे, न्याय योजना 6,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना क्या है, ये सारी योजनाएं क्या है, यदि ये आपको नहीं दिखता है, न्याय योजना अपनी नहीं दिखती जिसका इतना भयानक प्रचार किया था कांग्रेस ने, और आपको आम आदमी पार्टी ने यदि जनता को थोड़ा कुछ दे दिया है तो आपको जी। दिव्या जी कुछ कहना चाह रही, पीयूष जी दिव्या जी कुछ कहना चाह रही, दिव्या थोड़ा सा अपनी गाड़ी पे ब्रेक इसलिए लगाइए कि आप बोलते हो, हमने भी बोला, हमने आपने एक आरोप लगाया उसका हमने जवाब दिया, नहीं जी नहीं सर, नहीं जी पीयूष जी दिव्या जी को सुन लेते हैं, दिव्या जी बोलिए। ऐसा है कि आपका जो डिबेट है उस डिबेट का अपना इतना वृहद विषय कि मैं आपके साथ अलग इस विषय पर डिबेट करना चाहूंगी, अलग स्वागत, क्योंकि आपने जितनी बातें बोल दी और जितनी बातें खोल दी उतनी बातों को लेकर मैं आपके साथ पूरे दिल्ली के आपके जो मॉडल है उसकी बात करूंगी, और अभी मैं आरटीआई डाल रही हूँ अरविंद केजरीवाल के जितने फ्लेक्स जितने पोस्टर्स जितने हिंदुस्तान भर में जितने हर पेपर में एड देते हैं उस पर नियम विरुद्ध है क्या, नियम विरुद्ध है क्या, तो स्वीकार्य है, ओके होल्ड होल्ड होल्ड, और वो पैसा अपने अपने प्रचार प्रसार पर खर्च करते हैं सरकार के अलावा, अमीरों मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत विचित्र राजनीति करने में तुले हुए हैं जो देश के लिए बहुत घातक साबित होगी, और मैं आपको जो भी दिखा सकती हूँ आपके लिए, जो भी विपक्ष है जो भी प्रूव इट टू यू एब्सोल्युटली रॉन्ग, और
चलिए अभी कह चुके सर में जो मध्य प्रदेश नंबर वन है 15 साल से वो तो सुधार लीजिए मैडम, 15 साल से नंबर वन है हम शिशु मृत्यु दर में, 9000 शिशु मृत्यु दर में, वो तो सुधारिए। 16-17 साल से सरकार चला रहे हैं, बच्चों को मरने से रोक नहीं पा रहे हैं। चलिए चूंकि मैं माफी चाह रहा हूँ आप सभी से, तीनों से, क्योंकि समय कम है, लेकिन इतना तय है कि अंतर विरोध हर पार्टी में होता है, खींचतान हर पार्टी में होती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर पेश करना चाहूंगा दिव्या जी की, कि वो आगे आके अपनी सीनियर जो नेता हैं उन्हें बता रही है, विनयपूर्वक समझाइश दे रही है। ये अगर बात हर कार्यकर्ता में पैदा हो जाए कि वो अपने किसी आला नेता को, अपने किसी वरिष्ठ नेता को ये कहने की स्थिति में आए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो शायद भविष्य बहुत बेहतर होगा। बहरहाल इस पूरी अंतर्द्वंद का, इस अंतर विरोध का, इस खींचतान का किसे नुकसान होगा? उमा भारती जो कर रही है, क्या भाजपा को नुकसान होगा? जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, क्या उसे कांग्रेस को नुकसान होगा? इस पर तो समय निश्चित रूप से बताएगा, लेकिन इतना तय है कि खींचतान से हटकर कहीं न कहीं हमें, हम अपने लोगों को समझाई देना शुरू करें, हम अपनी ही पार्टी की का विरोध करना शुरू करें जो गलत बातें हैं, तो शायद ये बात पार्टी के आला अधिकारियों तक पहुंचेगी, आला नेताओं तक पहुंचेगी, और शायद कोई एक स्पष्ट परिदृश्य पार्टी का सामने आ पाए। आप हमारे हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।